बैक टू माई चैनल, इट्स मी शालिनी। सो आज का वीडियो होने वाला है विंटर वेयर हॉल। सो आई हैव लाइक क्वाइट अ फ्यू ऑफ पीसेज विच आई गॉट इट फ्रॉम मिंत्रा, और मैंने सोचा आपके संग जरूर शेयर करना चाहिए। सो आई हैव जैकेट्स, स्वेट शर्ट्स एंड वुलन सूट भी है मेरे पास। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डायरेक्टली जंप इन टू द पीसेज। सो एज वी ऑल नो कि विंटर्स आई गई हैं अब तो, और या हल्की हल्की ठंड तो लाइक पड़ना स्टार्ट हो गई है, तो आपको हल्की स्वेट शर्ट, हल्की हल्की लाइक जैकेट्स, फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स वगैरह की नीड है ही है। सो या, और अभी आप स्टॉक में कर लीजिए क्योंकि मिंत्रा पे सेल चल रही है। पता नहीं मैं वीडियो डालूंगी तब तक सेल रहेगी कि भी नहीं, बट मतलब चलती रहती है मिंत्रा पे सेल। सो इट्स बेस्टेस्ट कि आप फटाक से चीज़ें अपने स्टॉक में कर लीजिए, जिससे इससे पहले कि ठंड ज़्यादा बढ़े और प्राइसेस भी बढ़े। सो या, सेल का फ़ायदा उठाइए और सेल में ही कोशिश कीजिए कि आप सेल में ही सारी चीज़ें खरीदिए। सो दिस इज़ द ह्यूज बैग जिसके अंदर मैंने रख रखा है कुछ, तो बैग के भैया बाहर भी आ रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स क्विकली जंप इनटू द पीसेस। ऐसे अच्छे लग रहे थे, मतलब आई मीन ये वाली पार्टिंग अच्छी लग रही थी या फिर इधर वाली पार्टिंग अच्छी लग रही थी, आई डोंट नो। एनीवेज, जो भी अच्छी लग रही थी फटाक से आई हैव टू फिल्म द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ आई गॉट दिस वुलन सूट फ्रॉम द ब्रांड सांगरिया एंड दिस इज इन अ चारकोल ग्रे कलर। तो इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे बट मैंने चारकोल ग्रे कलर ही लिया। मुझे लेना रेड वाला भी था, लाइक मरूनिश रेड कुछ था, बट फिर आई एंडेड अप बाइंग दिस क्योंकि इसकी जो लेगिंग है ना, मतलब ऑफकोर्स सूट पूरा वुलन है, तो मैंने सोचा कि इसकी लेगिंग ना चारकोल ग्रे कलर की, तो वो अलग से भी काम आ जाएगी पहनने के लिए। सो इसलिए मैंने लिया कुछ और अतरंगी टाइप का कलर लेती, इसमें शायद मस्टर्ड येलो कलर भी अवेलेबल था, तो फिर वो इतना मेरे काम नहीं आ पाता, पर्टिकुलर चीज़ के संग ही जा पाता, बट ये वाला कलर ऐसा है जो काफ़ी सारे मेरे कुर्ते इसके संग जा सकता है, इनफैक्ट अंडरनीथ में साड़ी भी पहन सकती हूँ। सो दिस इज़ द सूट, छोटी कॉलर मिल जाती है एंड आगे इन फ्रंट नेक में हल्का वर्क है, मतलब दिस इज़ लाइक अ स्क्रीन प्रिंट वाला जो वर्क होता है वो ऐसे कुछ अलग से एम्ब्रॉयडरी या फिर उभरा हुआ वाला वर्क नहीं है। सो दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट फॉर डेली वेयर पर्पस के हिसाब से एंड दिस इज़ अ स्ट्रेट कुर्ता, आप देख सकते हैं नीचे भी हल्का ये वर्क दे रखा है, येलो कलर के कॉम्बिनेशन में है एंड दिस इज़ फुल स्लीव्स। आई लाइक द स्लीव्स अ लॉट और इसी की वजह से मैंने ख़रीदा। इसकी बेल स्लीव्स आप देख सकते हैं, यहाँ से फिटिंग है फिर उसके बाद ये बेल हो रहा है एंड या दिस इज़ अ स्ट्रेट वन, और पॉकेट्स नहीं है इसमें, ट्राउज़र में है शायद से एंड दिस इज़ द ट्राउज़र और यू कैन से अ पैंट। तो ये है एंड पैंट में एक ही साइड है क्या? ओके, एक ही साइड पॉकेट मिल जाती है, पूरा इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है इसका एंड काफ़ी प्यारा है यू सी। तो प्लाजो स्टाइल में है ये, पैंट नहीं है सॉरी, प्लाजो स्टाइल में है। मुझे ये हल्का लूज है, आई मीन लाइक हम वुलन क्लोथ्स ना थोड़े बड़े ही मंगवाना प्रेफर करते हैं क्योंकि अंडरनीथ भी हम थोड़ा पहनते हैं, आई मीन लेयरिंग वगैरह करते हैं, तो इट्स बेस्ट है कि आप थोड़ा बड़ा ही मंगवाइए। तो मैंने सूट भी बड़ा ही मंगवाया सो दैट अंडरनीथ मैं थर्मल पहन सकती हूँ, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा लूज रख लग रहा है। रिटर्न तो मैंने नहीं किया क्योंकि इसका छोटा साइज अवेलेबल नहीं था और मुझे वैसे रिटर्न नहीं करना था। सो आई एम थिंकिंग कि थोड़ा कुछ वन इंच का दोनों साइड सिलाई लगवाया जाए। सो या, दैट्स द फर्स्ट वन। और दुपट्टा तो इसके संग नहीं था, इसके संग कोई भी शॉल या स्टोल जा सकता है, बहुत प्यारा लगेगा। इनफैक्ट आप दुपट्टा की तो इनफैक्ट सर्दी में ज़रूरत है भी नहीं, तो आप स्टोल कोई भी ले सकते हैं और सर्दियों में स्टोल हमारे पास बेसिक कलर्स के ही होते हैं। सो या, दैट्स दैट। ओके, सेकंड सूट आई गॉट इट फ्रॉम मैक्स, फ्रॉम द ब्रांड मैक्स, और इन्हें स्टोर से लिया था एक्चुअली, तो मैं इसका लिंक नहीं दे पाऊँगी आप लोग को, बट एनीवेज मैंने सोचा एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये एकदम मुझे फिटेड वाला है, मतलब वो थोड़ा लूज है, ये वाला फिटेड है, इसके अंडरनीथ मैं कुछ पहन नहीं सकती बट हाँ इसके ऊपर, इसको इसके ऊपर मैं लेयर कर सकती हूँ, अंडरनीथ नहीं कर सकती, तो ऐसा साइज आ गया मतलब इस बारी तो। सो ये एकदम फुल स्लीव्स है, स्ट्रेट है, इसमें ऐसा कुछ बेल नहीं है, छोटी कॉलर है और इसमें पूरा फुल वर्क है आगे, आप देख सकते हैं प्रिंट वाला वर्क है और आगे ये थोड़ी वाइट कलर की क्रोशिया की लेस भी लगी हुई है विच आई क्वाइट लाइक इट। एंड इस कुर्ते में एक साइड राइट हैंड साइड पे आपको पॉकेट मिल जाती है एंड दिस इज़ लाइक ऑल स्ट्रेट, तो इनकी लेंथ काफ़ी अच्छी आती है, मुझे थोड़े
लॉन्ग लेंथ वाले कुर्ते ही पसंद है एंड इफ़ यू आर लाइक ऑन अ कर्वी साइड या फिर आप प्लस साइज हैं तो आप लॉन्ग लेंथ कुर्ते ही पहनिए इंस्टेड ऑफ लाइक शॉर्ट वन. शॉर्ट वन में आप थोड़े और बल्की लाइक मोटे लगेंगे इंस्टेड ऑफ दैट लॉन्ग लेंथ कुर्ता. सो या काफ़ी अच्छी इसकी डिसेंट लाइक काफ लेंथ मिल जाती है तो कोशिश कीजिए कि आप काफ लेंथ के कुर्ते ही पहनिए. इसके संग मिल जाती है मैचिंग पजामी. ये है बिल्कुल पजामी, वो प्लाजो था और नीचे मैच करने के लिए वाइट थोड़ा सा एक बॉर्डर सॉर्ट ऑफ स्टाइल में नीचे दे रखा है. एंड अगेन इसकी भी इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है और इसके पैर लाइक पजामी में कुछ भी पॉकेट्स नहीं हैं एंड द फैब्रिक इज़ लाइक रियली वेरी सॉफ्ट. दोनों के फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा प्यारे एंड सॉफ्ट हैं. सो या नाउ लेट्स मूव ऑन टू जैकेट्स विच आई गॉट. सो फोर्स जैकेट इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड सांखरिया और यू गाइज अभी तक आई एम प्रिटी श्योर कि आउट ऑफ स्टॉक हो गई होगी. मतलब ये इतनी मुश्किल से स्टॉक में आती है ना, जैसे ही स्टॉक में भैया इसको तुरंत खरीद लो, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक रहती है, बहुत ही ज़्यादा. और यू गाइज डोंट बिलीव कि मुझे कितनी सही एंड सस्ती प्राइस में मिल गई. इसकी प्राइस मैं आपको बताऊँ इतनी है 2500 रुपये और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 750 रुपीज़ में मिल गई. एंड दिस इज़ अ रिवर्सेबल जैकेट और ये अगर जयपुर स्ट्रीट मार्केट से अगर मैं खरीदती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है. आई थिंक 1500 टू 2000 तक मिलती है क्योंकि ये फुल लॉन्ग लेंथ वाली है तो लॉन्ग लेंथ वाली थोड़ी वो महंगी ही देते हैं, बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते. बट यू गाइस सिर्फ 750 में लाइक मैंने सेल में उठाई थी, मतलब मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा. मेरी इस पर्टिकुलर जैकेट पर काफ़ी टाइम से नज़र थी बट ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रही थी. सो या हल्की सी मुझे लूज़ है बट आई डोंट माइंड, इतनी अच्छी मैंने ले ली तो लूज़ चलेगी थोड़ी सी. सो एक साइड तो इसका ये है मतलब एकदम फ्यूशिया पिंक कलर है और स्ट्राइप है, मतलब इसका जो डिज़ाइन पैटर्न है वो स्ट्राइप स्ट्राइप दे रखा है. एंड दूसरी साइड्स का ये वाला दे रखा है ब्लू बेस पे, सॉरी पिंक बेस पे ब्लू कलर की कुछ प्रिंटिंग सी है वो है. सो आप इसको भी पहन सकते हैं फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड और मैंने तो इनफैक्ट इसको स्टाइल भी खर लिया है. एक चीज़ के संग मैं इसका लुक ज़रूर आपके संग जल्द ही शेयर करूँगी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन कम्युनिटी पेज समीक्षा दैट इज चेक इट आउट. तो काफ़ी अच्छा प्यारा जैकेट लगा मुझे. तो दिस इज़ लाइक ग्रेट फॉर हल्की वाली ठंड एंड बेसिकली इस टाइप की जैकेट्स जो हैं वो एथनिक वेयर के लिए, एथनिक चीज़ों के संग आपके बहुत अच्छे से जाती हैं लाइक विद सूट्स साड़ीज इंडो वेस्टर्न लुक के संग. इनफैक्ट जीन्स के संग भी ऑफकोर्स आप पहन सकते हैं बट क्या है हमारे जीन्स के संग हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं पहनने के लिए जैकेट्स में बट एथनिक के संग थोड़े कम होते हैं. तो इस टाइप की जैकेट्स में आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए लाइक अगर आपको सूट्स एंड साड़ीज पहनना पसंद है तो विंटर्स में इस टाइप की जैकेट में ज़रूर इन्वेस्ट करिए गाइस. बहुत अच्छी रहती है, रिवर्सिबल जैकेट है तो एक बार ही मैं आपको टू लुक्स मिल गए एंड कम्फर्टेबल भी रहती हैं और इसके संग आप लेयरिंग भी कर सकते हैं अगर एक साइज़ बड़ा पिक करेंगे तो. जस्ट लाइक इन माई केस मेरे को ये थोड़ा बड़ा साइज़ आ गया but anyways I like the purchase very much and also with the price point of view. So make sure कि आप अगर street market में ले रहे हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं बट वहाँ थोड़ा expensive मुझे लगता है मिलता है. मुझे लाइक ऑनलाइन काफ़ी अच्छी डील मिल गई. सो आप इसको देखिए और इसकी मतलब इस पर नज़र रखिए. मेरे को भी बहुत मुश्किल में ये स्टॉक में दिखी तभी मैंने इसको खरीद पाई. सो या दैट्स द नेक्स्ट परचेज. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जैकेट इज फ्रॉम दिस ब्रांड एंड दैट इज़ अनीता डोंगरे वाला ब्रांड एंड दिस इज़ लाइक वेरी लाइट वेट एंड एकदम पतली टाइप की है तो एकदम हल्की वाली ठंड लाइक लेयरिंग के हिसाब से बेस्ट है. एंड दिस इज़ अगेन लाइक अ लॉन्ग लाइन जैकेट. तो मुझे साड़ीज़ एंड सूट्स के संग ना लॉन्ग लाइन जैकेट्स पहनना ज़्यादा पसंद है या फिर स्वेटर्स जो भी है. शॉर्ट मुझे इतने पसंद नहीं आते हैं. अगर आप अनारकली कुर्ती पहन रहे हैं, फुल लॉन्ग लेंथ कुर्ती पहन रहे हैं, साड़ीज पहन रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हमेशा या तो ट्रेंच कोट पिक कीजिए क्योंकि वो हमेशा लॉन्ग लाइन ही होते हैं लाइक मोस्टली. ओवरकोट्स पिक कीजिए या फिर अगर आपको स्वेटर्स पहनना पसंद है तो लॉन्ग लाइन स्वेटर्स लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड लाइक मतलब आपके पूरे लुक को काफ़ी अच्छा डिफाइन करते हैं. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर लाइक ऑन अ प्लस साइज या फिर आप कर्वी बॉडी पे हैं तो आप लॉन्ग लेंथ ही पहनिए. अगर आप शॉर्ट पहनेंगे ना लाइक हिप से ऊपर तो फिर वो अजीब सा फिगर लगेगा, आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा. सो मेक श्योर कि आप लॉन्ग लाइन ही खरीदिए. इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस ना आई डेफिनेटली डू दैट. बाकी इसमें थोड़ा बहुत बता ही दिया है मैंने आपको. सो दिस इज़ दिस बेसिक टाइप का है ये
लाइक दिस इज़ लाइक शादी वादी के हिसाब से तो नहीं जाएगा, बट वो पिंक वाला है ना, आप छोटे मोटे फंक्शन में, इनफैक्ट वेडिंग्स, अगर आप वेडिंग लाइक किसी वेडिंग में गेस्ट है तो आप ज़रूर पहन सकते हैं, इनफैक्ट विद कैजुअल के संग भी पहन सकते हैं, बट ये किसी वेडिंग के हिसाब से नहीं जाएगा, ये सिर्फ कैजुअल के हिसाब से जाएगा। तो अगैन आप इसको जीन्स, सूट्स, साड़ीज विद किसी भी चीज़ के संग पहन सकते हैं, एकदम फुल स्लीव्स है, हल्की छोटी कॉलर मिल जाती है एंड इस टाइप का है। तो दिस इज़ समवॉट लाइक अ श्रग जैकेट, तो इसको आप खुला भी रख सकते हैं, इसका वाटरफॉल लुक आता है एंड आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। सर जैसे हमारा अंगरखा वाला स्टाइल नहीं होता, यहाँ पे यूँ साइड में ऐसे यूँ करके बटन दे रखा है, एक ये और एक ये, तो ये दो बटन्स हैं, बाकी सारा पूरा ऐसा है, तो काफ़ी अच्छा एंड प्यारा है। तो मेरे को ये वाली पोचेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, लाइक परफेक्ट फॉर डेली वेयर के हिसाब से, और थोड़ा लूज एंड बड़ा है तो काफ़ी सारी चीज़ों के संग इसको लेयर अप भी कर सकते हैं। सो या तो ब्लैक एंड वाइट कलर जो होता है वो एकदम बेसिक कलर होता है जो काफ़ी सारे आपके आउटफिट्स के संग चला जाता है एंड या मतलब ऐसे ही खरीदिए कि भाई जो आपके मेजरली आउटफिट्स के संग जाए, ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर कलर खरीदिए तो वो पर्टिकुलर के संग ही जाएगा। सो या ब्राउन टोन खरीदिए तो वो भी काफ़ी सारी चीज़ों के संग जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अप आई हैव दीज थ्री जैकेट्स, लाइक टू जैकेट्स एंड वन स्वेटशर्ट फ्रॉम मेन सेक्शन। एक्चुअली आई गॉट इट फॉर माई हस्बैंड, सो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने खरीदा है हेयर एंड नाउ का एक्सेल साइज में स्वेटशर्ट, लाइक दिस इज लाइक अ जिप क्लोजर वाला स्वेटशर्ट, फुल स्लीव्स है एंड दिस इज इन अ कलर ब्लॉक पैटर्न, इस टाइप से है ये। एक मिनट रुको, मैं जिप लगा के ही दिखाती हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ पाएगा। काफ़ी अच्छा है, मतलब हल्का सॉर्ट ऑफ है, तो डेली वेयर के हिसाब से अभी की ठंड के लिए बेस्टेस्ट रहेगा। एंड अगेन ब्लैक कलर ऐसा है जो कि आप सब चीज़ों के संग डाल सकते हैं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो यू सी इस टाइप का पैटर्न है इसका एंड दोनों साइड में आपको पॉकेट्स नहीं मिलती हैं। ओके हाँ, इसमें पॉकेट्स नहीं हैं, ओके सर इसमें पॉकेट्स नहीं है। एनीवेज बाकी बहुत अच्छा है और ये इस टाइप के पीसेज है ना कि इनको तीनों को मैं भी पहन सकती हूँ, आप कह सकते हैं यूनिसेक्स है तो आप इसको पहन सकते हैं, लाइक गर्ल्स भी इसको पहन सकती है। सो या ओके नेक्स्ट अप आई हैव दिस ग्रे स्वेट शर्ट, ऑल्सो दिस इज इन अ जिप क्लोजर बट ये हाफ जिप क्लोजर है, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा था। जस्ट शो यू, सो दिस इज़ दैट, और ये भी कलर ब्लॉक पैटर्न में एकदम हाफ जिप है, पूरा हाई नेक हो जाता है, फुल स्लीव्स है, तो यहाँ पे आपको ब्लू एंड वाइट का थोड़ा बहुत कलर मिल जाता है, यहाँ पे भी सेम एंड नीचे से इट इज़ लाइक ऑल प्लेन वन, और नीचे आपको थोड़ी बहुत इलास्टिक वाली जैसी हेम दे रखी है जो कि थोड़ी डिफरेंट लगती है लाइक प्लेन सिंपल से ज़्यादा। सो या दैट्स द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट पीस इज़ लाइक हैवी एंड द बल्की वाली जैकेट एंड दैट्स अ रिवर्सिबल जैकेट जो कि मुझे काफ़ी अच्छी डील में मिली, लेट मी जस्ट शो यू। अगेन मैंने ये वाली भी सेल में ली थी, तो इस टाइप की जो पोचेज है ना आप सेल में करिए, आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड, ओके सो दिस इज़ अ रिवर्सिबल जैकेट एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड आई थिंक रोडस्टर, या रोडस्टर ब्रांड की जैकेट्स। यू गाइस आई थिंक मैंने लास्ट ईयर इस पर पर्टिकुलर वीडियो किया था, मैंने शायद सिर्फ जैकेट्स के ऊपर वीडियो किया था, मेजरली उसमें रोडस्टर की थी। सो काफ़ी अच्छी पफर जैकेट है, ये क्विल्टेड पफर जैकेट है, तो इस एक तरफ इसका ये कलर है ब्लू कलर एंड एक तरफ इसका ये ब्लैक कलर है, तो दोनों ही कलर काफ़ी बेसिक एंड काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो या आप इसको दोनों तरफ से पहन सकते हैं, फ्रॉम ब्लू साइड एज वेल एंड फ्रॉम ब्लैक साइड एज वेल, बाकी इट इज़ लाइक ऑल प्लेन, एकदम बेसिक वाली जैकेट है, तो एकदम तेज़ वाली ठंड के लिए बेस्ट है, लेयरिंग भी कर सकते हैं इसको। सो या दैट्स द लास्ट परचेज इन माई विंटर हॉल एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा। सबसे बेस्ट आइटम कौन सा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड या मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी क्रिएटिव एंड बी स्टाइलिश, बाय।